सोची कि जब मुझे चैनल बनाने नहीं आ रहा तो मैं चैनल को चलाऊंगी कैसे, 2 से 3 महीना लगा 1 लाख मुझे सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। मजाक है क्या? पिन कोड तो सब लोग जानते हैं, पोस्टल कोड मुझे नहीं मालूम था कि पिन कोड को पोस्टल कोड भी बोला जाता है, ऐसी मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा, अब मुझे हंसी आती है लेकिन उस टाइम में कितनी बेवकूफ थी ये मुझे पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू शालिनी किचन, और आज मैं आप लोग के साथ बहुत बड़ी गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो फर्स्ट माइलस्टोन था यूट्यूब पे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है, तो मुझे मेरा फर्स्ट क्रिएटर अवार्ड मिल गया है और इसे पाके मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शाबाश बेटा। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब और सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया होता, अपना प्यार और आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो ये मुझे नहीं मिल। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेनी मेनी थैंक्स फॉर दिस क्रिएटर। ये जो मेरा क्रिएटर अवार्ड है ये मुझे रिसीव हो गया था दिसंबर में ही, 27 दिसंबर को मुझे मिल गया था, 1 साल के अंदर ही, लेकिन मेरे हाथों में आते आते कम से कम 1 से 1.5 महीना लग गए हैं इसको। मगर क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं आया था, मैंने जो एड्रेस डाला था ना तो वहाँ पे गांव का एड्रेस है, तो जब डिलीवरी होने वाली थी तो वो भैया बोले कि हम आपके एड्रेस पे दे नहीं पाएंगे, तो हमारे यहाँ से एक नज़दीकी मतलब थोड़ी दूर पे मार्केट है, थोड़ी दूर पे नहीं कम से कम 10-12 किलोमीटर पे एक मार्केट है धोरीघाट, बोले कि आप वहाँ रिसीव करिए या तो आप गोरखपुर की मेन सिटी में ही ले लीजिए कहीं पे, तो मतलब धोरीघाट पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पर मैं टाइम से जा नहीं पाती और कोई है नहीं घर में रिसीव करने के लिए, तो मैंने गोरखपुर में ही रिसीव करा लिया था। गोरखपुर में मुझे इजी लगा क्योंकि वहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी रहती हैं, भैया रहते हैं, तो मैंने भैया से रिसीव करवा लिया था। तो प्रॉपर ये 1 से 1.5 महीना वहीं पे था, कोई आने जाने वाला नहीं था कि मैं मंगाऊँ, तो जब रिसेंटली मैं भैया की शादी में गई थी तब मैं वहाँ से लेके आई हूँ और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो जब मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 साल के अंदर मुझे ये भी मिल जाएगा, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस ये माइंडसेट करके यूट्यूब पे आई थी क्योंकि मुझे 1 साल तक बस मुझे चीज़ों को सीखने में देना है, क्योंकि हमने कभी कॉलेज या स्कूल में या फिर कभी यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की पढ़ाई नहीं की होती कि वीडियो कैसे बनाते हैं, यूट्यूब का थंबनेल कैसे लगाते हैं, हैशटैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसका कीवर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने यही माइंडसेट करके आया था यूट्यूब के 1 साल तक सिर्फ चीज़ों को मुझे सीखना। यूट्यूब का काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ, मेरा 4.5 साल का छोटा सा बच्चा है, मैं उसको भी देखती हूँ, घर में तो बूढ़े सास ससुर हैं, मैं उन लोगों को भी देखती हूँ, सारा काम मुझे अकेले करना है, और प्लस हमारे गाँव में ना वाईफाई का कनेक्शन नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है मुझे एक एक चीज़ काम करने में, वीडियो अपलोडिंग से लेके एडिटिंग में बिना वाईफाई के कुछ नहीं होता है, बिना डाटा के तो मोबाइल के डाटा पे ही मुझे डिपेंड रहना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। मैंने वाईफाई के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन अभी गांव में अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं लग पा रहा है, तो किसी तरह मुझे मोबाइल के डाटा पे ही डिपेंड रहना। जो काम मुझे 2 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए उसके पीछे मेरा मतलब 2 घंटा वेस्ट हो जाता है, सिर्फ गोल गोल डाटा मेरा घूमता रहता है, लेकिन इस चीज़ से मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, कभी मैंने मतलब छोड़ा नहीं कि चलो डाटा नहीं चल रहा है तो मुझे काम नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो देखिए, वीडियो शूट कर रही थी तो इनको और कहीं जगह नहीं मिल रहा था खेलने के लिए, मम्मा के पास ही खेलना है, तो जब घर में बच्चे होते हैं ना तो हम मम्मी लोगों को बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, तो किसी तरह इनका खिलौना बनाई और बोली बेटा प्लीज़ मुझे वीडियो शूट कर लेने दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। चलिए हम इसको जल्दी से फटाफट ओपन करते हैं, देखते हैं। तो ये जो सिल्वर प्ले बटन है ये कुछ इस तरह से कागज के डब्बे में ही आया था, मुझे भी ऐसे ही रिसीव हुआ था। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट माइलस्टोन पे जाते हैं तो वैसे वैसे ना आपका जो पैकेजिंग है क्रिएटर अवार्ड का वो और भी ज्यादा इम्प्रूव होके मिलती है। तो फाइनली डब्बा को मैंने ओपन कर दिया और साथ में एक ब्लैक कलर का फोम मिलेगा और ये छोटा सा कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड जो यूट्यूब की तरफ से होता है, ढेर सारी बधाइयां दी गई होती है, और साथ ही मिला है एक सोसाइटी अवार्ड कार्ड जिसपे 3 तरह का क्रिएटर अवार्ड प्रिंट किया गया है। तो इसमें से मेरा पहला क्रिएटर अवार्ड आ गया है, अब दूसरे के लिए मुझे जी जान लगा के मेहनत करना है ताकि वो भी मुझे रिसीव हो जाए, और साथ में ये आपको ना रिसीविंग लेटर मिल जाता है, और साथ में एक कार्ड और मिलता है जिसपे यूट्यूब के CEO नील मोहन जी का साइन रहता है। इसमें उन्होंने हमारे कामों की सराहना की है और कहा है कि ऐसे ही काम करते रहिए, आगे का क्रिएटर अवार्ड हम आपको देते रहेंगे। ये हमारा चमचमाता हुआ यूट्यूब सोसाइटी अवार्ड का मेरा सिल्वर प्ले बटन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही चमचमाता हुआ है, और यहाँ आप देख लीजिए, प्रेजेंटेड टू शालिनीज किचन फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम यूट्यूब। तो इस अवार्ड के लिए, इस सिल्वर प्ले बटन के लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेनी मेनी थैंक्स, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही रहा कि मुझे ये मिला है। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अगर आप लोग देते रहना तो सच में एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे हाथों में गोल्ड बटन भी आएगा, उम्मीद तो है कि गोल्ड बटन ला सकते। इसमें का मिरर इतना ज्यादा चमचमा रहा है कि इसमें तो मैं अपना मुंह भी देख लूं।
तो दिन रात की कड़ी मेहनत, रात भर का जगना, लर्न करना, एडिटिंग करना, सारी मेहनत सफल हो गई है इसे पाने के बाद। तो मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है उसमें से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी तरह क्रिएटर हैं। उन लोगों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए यूट्यूब पे ना थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपके अंदर विल पावर होना चाहिए और थोड़ा सा आपके अंदर ना क्रेज़ भी होना चाहिए काम को करने के लिए। देखिए पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी वीडियो हमारी वायरल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो भी वीडियोस बनाते रहेंगे सारा वीडियो वायरल ही होता रहेगा। देखिए 10 जनवरी 2023 को मैंने चैनल बनाया था और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मुझे लगा था पूरा 7 महीना। 14 अगस्त 2023 को मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तो पूरा 7 महीना लगा था मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। और अगस्त का मंथ ऐसा था कि उसमें मेरा 2-4 वीडियो वायरल हो गया, जो भी है शॉर्ट वीडियो ही वायरल हुआ है उस पर, मतलब एक वीडियो उस पर तो करोड़ों व्यूज़ आए हैं, फिर लाखों व्यूज़ आए हैं। तो इस तरह कर करके मतलब वीडियोस वायरल हुआ, इस तरह से सब्सक्राइबर भी आया और सिर्फ 2 से 3 महीना लगा 1 लाख मुझे सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। सोचिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मुझे लगा था पूरा 7 महीना। तो स्टार्टिंग में सबको मेहनत करना पड़ता है, दिक्कत होती है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वीडियोज़ वायरल होगा ना तो कुछ नहीं करना होता है, थड़ाथड़ एकदम फटाफट एक ही दिन में 2-2, 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी क्रिएटर हैं प्लीज़ आप बस मन लगा के काम करिए, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आपका मतलब क्रिएटर अवार्ड जो भी है वो भी आपको मिलेगा। बस क्रिएटर अवार्ड और कुछ नहीं, बस यही है कि हम लोग के अंदर एक बहुत मोटिवेशन आता है काम को करने के बाद। यूट्यूब के पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अब मुझे हंसी आती है लेकिन उस टाइम में कितनी बेवकूफ़ थी ये मुझे पता है। तो जब मुझे YouTube पे काम करना था ना, तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन वीडियोज देखी कि हाँ ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं, ऐसे वीडियो अपलोड किया जाता है, मैं तो कर लूँगी, चैनल बना लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। लेकिन जब चैनल बनाने बैठी, सोचिए मुझे ईमेल आईडी तक नहीं बनाने आती थी। ईमेल आईडी कितना छोटा काम होता है, करना ना वो नहीं आता है। और चैनल बनाना तो मैंने सीखा है, मैं बता रही हूँ, स्प्रेडिंग ज्ञान जो चलाते हैं भैया रॉकी भैया, मैंने उनका वीडियोस देख के बहुत इंस्पायर हुई थी, उन्हीं का वीडियोस देख के मैंने चैनल बनाया है। तो मैं चैनल बना रही थी तो क्या हो रहा था कि वो बोल रहे थे कि डेस्कटॉप मोड में मोबाइल से ही बनाना था ना, लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप है भी नहीं मेरे पास, तो उसमें डेस्कटॉप मोड में जाके काम करना था, तो डेस्कटॉप मोड नहीं ऑन करने आ रहा था। वो बोल रहे थे कि YouTubeStudio.in खोलिए, तो मैं करती थी लेकिन मेरा खुलता ही नहीं था, चैनल बन ही नहीं रहा था। पिन कोड तो सब लोग जानते हैं, पोस्टल कोड मुझे नहीं मालूम था कि पिन कोड को पोस्टल कोड भी बोला जाता है, ऐसी मैं बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद बहुत ट्राई किया मैंने चैनल बनाने के लिए, लेकिन मुझसे होता ही नहीं था, मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी। तो फिर मैंने मोबाइल को रख दिया, फिर मैं सोची कि जब मुझे चैनल बनाने नहीं आ रहा तो मैं चैनल को चलाऊंगी कैसे, वीडियोस अपलोड करने होंगे, एडिट करना होगा और भी बहुत सारे काम होगा, वो सब कैसे करूंगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना अंदर एक कीड़ा जो रहता है कुछ करने के लिए वो काटता रहता है आपको, तो मेरे अंदर भी वो कीड़ा बैठा था। फिर मैंने ना दिन रात 2 महीने तक सिर्फ लर्न किया कि कैसे काम करते हैं, मतलब सब कुछ अगर मोबाइल से ही करना रहेगा तो कैसे मोबाइल से ही करना है, सब वीडियोस कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करना है, शूट कैसे करना है। और स्टार्टिंग में तो इतना कंफ्यूजन होता था कि थंबनेल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हैशटैग क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती थी कि ये सब क्या है, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब कुछ आ गया। तो जब मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो मतलब मेरा मायके का ग्रुप है उसमें लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, बधाइयाँ मिल रही थी। तो मेरी दी की एक लड़की है, उसने बोला मम्मा जब मीसी के चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और मीसी को सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा तो मैं वो मीसी सिले लूँगा और उसको बेच के अपने लिए बंगला खरीदूँ बंगला खरीदूंगा। लीजिए एंजल जी, लेके जाइए और अपने लिए बंगला और फ्लैट खरीद लीजिए, देखिए कितना मिलता है। जनता माफ नहीं करेगी। तो आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि कितने क्राइटेरिया पे क्या मिलता है। तो जैसे ही आपके चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से, उसमें एक आपको रिडीम कोड मिल जाता है। जैसे वो रिडीम कोड आप टच करेंगे तो सीधे आप सोसाइटी अवार्ड के मतलब जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करना पड़ता है। डिटेल फिल करने के बाद जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, उसी तरह इसको भी ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, 0 पैसे लगते हैं, 1 भी पैसा नहीं लगता है। बस आपको अपना चैनल का नाम वगैरह देना होता है। तो सारा डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद आपको फिर ईमेल आता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। और पूरी तरह से प्रिपेयर होने के बाद जब ये डेली में आ जाता है तो फिर से आपको एक केवाईसी के लिए ईमेल आता है। फिर केवाईसी को आपको कंप्लीट करना होता है। केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारा डिटेल लिया जाता है। आप उसको अच्छे से फिल करने के बाद जब आप सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं
तब फिर ये आपके पास आ जाता है, आपके एड्रेस पे आसानी से आ जाता है। और फिर सबसे लास्ट में थैंक यू सो मच इसके लिए, इस यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच।